स्वागत और अभिनंदन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि खेचरी मुद्रा और कुंडलनी जागरण का आपस में क्या सह संबंध है क्या को रिलेशन है क्या को रिलेशनशिप है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंडलनी से संबंधित विधिवत जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है एक जानकारी एक पैटर्न सिस्टम तैयार किया है जिस पर मैं विविध ढंग से लोगों को जानकारी दूंगा सबसे पहले तो आप जान लीजिए जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताया है कि कुंडली जागरण क्या है कुंडली जागरण जो हमारे चक्रों में फंसी हुई ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्रमशः मूलाधार से स्वादिष्ठान फिर मणिपुर अनाहत विशुद्धा और आज्ञा तक यह सठ चक्र भेदन की एक प्रक्रिया है और इस कुंडलनी जागरण के जो बहुत सारे तरीके हैं हट योग के माध्यम से क्रिया योग के माध्यम से है क्या कि यह वो प्रक्रिया है कि अपने सर्वांगीण विकास के लिए जो जीवन का सर्वांगीण विकास है जिसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मस्तिष्क का 100 परसेंट विकास किया जा सकता है यह वही प्रक्रिया है लेकिन योग के माध्यम से समाधि के माध्यम से ध्यान के माध्यम से ऐसा संभव है कुंडली जागरण के बाद में असाधारण अद्भुत क्षमताएं हमारे व्यक्तित्व में पैदा होती हैं जन्म लेती हैं घटित होती हैं अवतरित होती हैं और उन क्षमताओं का आप व्यक्तिगत जीवन के अलावा आप सार्वजनिक समाज के कल्याण के लिए जो पात्र हैं उनके हित के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं तो ये जो खेचरी मुद्रा है हालांकि मैंने इस पर एक स्वतंत्र वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है मैंने करके दिखाया है जो जुवा है जो जुवा है उसको कपाल कोहर में लगाया जाता है और आज्ञा चक्र के पीछे तक जुवा चली जाती है अंदर से जब हम लोग भोजन करते हैं तो चावल का दाना कभी कभी चावल का कण या भोजन का कण हमारे श्वास नलिका में फंस जाता है और हमारे लिए खांसी आ जाती है ओछू पड़ जाता है ठीक वहीं पर यह जो श्वास इसके पीछे आपकी जीवा लग जाएगी जा करके जिस दिन और वहाँ पर रोकने की कम से कम पाँच घड़ी तक एक घड़ी से दो घड़ी तीन घड़ी ऐसे पांच घड़ी तक जो खेचरी मुद्रा लगा करके मेडिटेशन कर सकता है तो निश्चित रूप से उसके समाधि लग जाती है और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं ये गुप्त विज्ञान है भारतीय योगियों का इस प्रक्रिया को करने से एक अमृत का वर्षण होता है जो कि हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से जो एक झरित होता है एक एक ऐसा पदार्थ एक ऐसा रसायन जिससे जीवन अमृत भी कह सकते हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है इसको हम जीवन अमृत कहते हैं लाइफ नेक्टर कहते हैं और जीवा वहाँ जब लगी हुई होती है खेचरी मुद्रा में स्टैंड होती है तो ध्यान भी बेहतर लगता है और जो पीनिय पी, पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है ध्यान दीजिएगा हमारा जो कंट्रोल है शरीर का वो हमारे मस्तिष्क के अंदर है अर्थात जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं आज्ञा चक्र पर जब आप खेचरी लगा करके के ध्यान या प्राणिक क्रिया करते हैं कुंडली को जाग जगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्द आपकी जो वाइटल एनर्जी है जो जीवन ऊर्जा है वो सुसमना नाड़ी में प्रविष्ट कर जाती है हालांकि ये कठिन प्रक्रिया है खिचड़ी मुद्रा तो हजारों में कोई ऐसा साधक होता है जो लगा सकता है और लगाने के बाद में इसका उपयोग कैसे करना है यह आपका गुरु आपका योगी आपका जो महारत हासिल है ध्यान योग में कुंडलनी की यात्रा जो कर चुका है तो आज्ञा चक्र पर जब खेचरी लगी हुई होती है तो इससे दो तीन असाधारण फायदे होते हैं पहले एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाती है विचारों की चंचलता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और यहीं पर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है आपके साक्षी का जन्म यहीं पर होता है जैसे आप दृष्टा साक्षी या बुद्धत्व या महा या फिर परिनिर्वाण या फिर मोक्ष कहिए महापरिनिर्वाण की स्टेज या स्टॉपेज नहीं है स्टेशन नहीं है आज्ञा चक्र इसके आगे ब्लैक होल की यात्रा है सहसरार की यात्रा है उस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा तो आप लोग समझ रहे होंगे यह जो पीनियल ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड ये एक्टिव नहीं रहता है ज़्यादा चिंता करने से टेंशन करने से होता क्या दिमाग सुस्त हो जाता हारमोन्स असंतुलित हो जाते हैं और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है नींद भी नहीं आती है और उसके चेहरे का तेज खत्म होने लगता है रोगी हो जाता है तो ये जीवन का अमृत है इस अमृत को और अच्छा बेहतर बनाए रखने के लिए अपने को चिर युवा बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके से योगिक तरीके से आप खेचरी मुद्रा का उपयोग करिए फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ ओ